रतनपुर के बाईपास मार्ग पर संचालित गहलोत ढाबा संचालक के खिलाफ नगरवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों का कहना है कि तालाब को पाट कर उसके द्वारा ढाबा का संचालन किया जा रहा है, जहां लोगों को शराब परोसे जाने के साथ ही अनैतिक कार्य संपादित किए जा रहे हैं। नगर पालिका से शिकायत करने के बाद भी इस दिशा में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। अब पुलिस से शिकायत कर इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। सीधा सीधा ये प्रकरण जो है लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ है। लॉकडाउन के समय में आशीष गहलोत, अशोक गहलोत और उसके पिताजी तीनों ने मिलकर एक तालाब के मेड़ को पूरा काट कर तालाब के कुछ हिस्सा को काट करके बेजा कब्जा किया। उसमें इन्होंने अपना ढाबा संचालित करना चालू कर दिया, जो आज भी चल रहा है। कुछ दिनों से बहुत ये फल फूल रहे हैं, इन्हीं के द्वारा शासकीय जमीन को बेचा जाता है, इन्हीं के द्वारा अवैध ढाबा संचालन किया जाता है, इन्हीं के द्वारा नगर में अवांछनीय तत्वों का होकर किया जा रहा है, और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का, जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने का इनके द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कलेक्टर भी मिल दिया है तो कलेक्टर आदेश कर दिया है तोड़ने के लिए, उसको भी रोक लगा रहे हैं कुछ कांग्रेसी लोग, और इसके विरुद्ध में हम लोग आज थाना में आए हैं, थाना में आवेदन दे हैं कि उसका जो भी आगे पीछे का यह कार्रवाई है उसका जाँच किया जाए। और बार बार हमको ये धमकी देता है, खेत से आते जाते हैं तो अशोक गहलोत, कि आपको देख लेंगे, मार दूंगा या पीट दूंगा, कल कोई भी अप्रिय घटना घटेगा तो अशोक गहलोत के ऊपर आएगा।